सोचना भी खूबसूरत होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसी भयंकर कल्पना करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये कल्पना नहीं बल्कि सच है। दुनिया में कई ऐसी बीच है जो कचरे से भरी पड़ी थी, लेकिन आज ये कचरे इतने खूबसूरत हो चुके हैं कि इनको देखने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट चैनल और हम हाजिर हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम दो ऐसे बीच के बारे में जानेंगे जो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत नहीं है बल्कि मानव के द्वारा फैलाए कचरे से खूबसूरत बनी है। जी हाँ, रूस की ग्लास बीच ऐसी ही बीच है। कई साल पहले इस बीच के किनारे लोग बैठकर शराब पीते थे, साथ ही उसकी खाली बोतल को यहीं फेंक देते थे, जिस वजह से इसे बंद कर दिया गया और यहाँ जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन पानी के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये रंग बिरंगे कांच की बोतल के ढेर टूट टूट कर छोटे हो गए। समय के साथ साथ ये स्मूथ होते गए और चमकदार भी। पानी की इस शक्ति ने इसे सुंदर पत्थरों में बदल दिया और सरकार ने कांच की छटनी का काम स्टार्ट करवाया और टूरिस्ट के लिए इस बीच को खोल दिया। अब बात करते हैं ऐसी ही दूसरी बीच की। कैलिफोर्निया के फोर्ट ब्रैग में मैककैरिशर नाम से पॉपुलर रहे इस बीच की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 20वीं सदी में फोर्ट ब्रैग के निवासियों ने घर का कचरा पहाड़ियों से नीचे फेंकना शुरू किया। न सिर्फ कांच के टुकड़े बल्कि इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस और पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स भी फेंके जाने लगे। कैलिफोर्निया स्टेट वाटर बोर्ड ने इस एरिया को बंद किया और सालों इसकी सफाई की। पानी से कचरा तो निकल गया लेकिन कांच के टुकड़े रह गए। बाद में एक प्राइवेट कंपनी ने ग्लास बीच को मैककैरिशर स्टेट पार्क के हिस्से में शामिल किया। बता दें, इस बीच पे हजारों लाखों की संख्या में कांच के इतने खूबसूरत टुकड़े पड़े हैं जिसे देखने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, कचरा भी खूबसूरत होता है, लेकिन भारत में ना अप्लाई करें। बाय द वे, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें।